नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल गए दिए गए थे। आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खोल दिए गए हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर चार धाम की यात्रा की शुरुआत हो गई थी। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तीनों के धामों के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए थे। आज 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए। आज सुबह करीब 6:30 बजे धाम के रावल और बद्री पांडुकेश्वर बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जिसके बाद दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लाइन लग गई। भू वेंकटेश्वर बद्रीनाथ धाम के कपाट पूरी विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। रिमझिम बारिश के बीच कपाट खुले तो भक्तों का उत्साह, उमंग, आस्था अपनी चरम सीमा पर थी। कपाट खुलते ही धाम जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा। आर्मी बैंड, ढोल नगाड़ों की मधुर धुन और स्थानीय महिलाओं की पारंपरिक संगीत नृत्य के साथ भगवान बद्रीनाथ विशाल की स्तुति के साथ बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। श्रद्धालुओं को ये वक्त देखने के लिए मंत्रमुग्ध हो गए। दोस्तों, यात्रा पड़ाव से लेकर धाम में तीर्थ यात्रियों की खूब भीड़ उमड़ी है। कपाट खुलने के मौके पर करीब 10,000 श्रद्धालु धाम में पहुंच गए थे। धाम पहुंचने के लिए रास्ते में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। ऐसे में श्याम बद्रीनाथ में अखंड ज्योति के दर्शन के लिए करीब 20,000 श्रद्धालु वहां पर पहुंचने की उम्मीद है। आप लोगों को बता दें कि बद्रीनाथ धाम से पहले यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट भी 10 मई को खोल दिए गए थे। और इसका पूरी विधि विधान का टाइम ये रहा, सुबह 4 बजे बद्री विशाल के दक्षिण द्वार से भगवान कुबेर का प्रवेश हुआ। प्रातः 5 से 5:30 बजे विशिष्ट व्यक्तियों का गेट नंबर 3 से मंदिर में प्रवेश करना हुआ। प्रातः 5:40 पर रावल जी, धर्माधिकारी व वेद पाठियों का उद्धव जी के साथ मंदिर में प्रवेश हुआ। सुबह 5:45 पर रावल और धर्माधिकारी द्वारा पूजा पाठ की गई और सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें। आगे भी आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे।